मैं चाह रही हूँ कि इवन अगर कोई चेंज नहीं आता है, एटलीस्ट ये होता है ना कि जैसे आप जैसे एड देखते हैं, तो एड ना आप 7 दफा वही एड देखेंगे तो शायद आप क्लिक करेंगे. इसी तरह हम बात कर रहे हैं किसी चीज पे, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, उस वक्त शायद किसी का माइंड एक दफा में चेंज ना हो, 2 दफा ना हो, 3 दफा, 4th दफा एक आम बात हो जाएगी और लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये तो गलत है. और शायद किसी को हेल्प करे आइडेंटिफाई करने में, चाहे वो कोई स्टेप ले सके या ना ले सके, बट वो आइडेंटिफाई करे कि हाँ ठीक है मेरी गलती नहीं, मेरी गलती. बिकॉज यूजली पीपल, या बिल्कुल, जो यूजली पीपल हु आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, दे नेवर ब्लेम द अदर पर्सन, दे ब्लेम देमसेल्व्स. तो वो अपने आप को हमेशा ब्लेम करते हैं कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हो गया, अब मुझे ये चीज वहां नहीं रखनी चाहिए. मैं थी ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में, मैं समझती थी कि सब मेरी वजह से हो रहा है. सेम हियर, आई वाज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई वाज एंगेज्ड वंस एंड मेरी 2.5 महीने बाद, 2.5 पौने 2 महीने बाद मेरी मंगनी होने वाली थी. एंड उस वक्त मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं करनी है, यू हैव अ लवली ब्रदर एज वेल, सो यू नो हाउ मच ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप इज देयर, राइट. सो माय ब्रदर वाज देयर कि तुम्हें नहीं करनी है, यहाँ पे नहीं करनी है. तो मैंने कहा क्यों, बिकॉज यू नो आई वॉज वेरी अटैच टू दिस पर्सन. तो उसने कहा इंसान शादी क्यों करता है या किसी रिलेशनशिप में क्यों जाता है. उसने मतलब सिर्फ ये सवाल पूछा और आफ्टर लाइक 5-7 मिनट्स मैंने उसको बोला खुश रहने के लिए. तो कहते तुम खुश हो, मैंने कहा नहीं. एंड दैट वाज द मोमेंट आई ब्रोक द एंगेजमेंट, आई सेड आई डोंट वांट टू गो हियर. कितनी छोटी बात है और कितनी अच्छी बात है, आप सोचें. Yes. हम लोग शादी इसलिए करते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारी टैग लग जाए, शादी, हमारी अम्मा खुश हो जाए. जो लोगों ने ताने दिए हुए हैं वो, आपको पता है मैंने शादी क्यों की थी? आई एम द लास्ट वन जिसने शादी की, घर की सबसे छोटी थी. अम्मा अब्बा 2010 में गए क्या कहते हैं हज पे. अब हम हज तो नहीं करेंगे क्योंकि बेटी की शादी नहीं हुई. वो मैंने कहा भाई ये पैसे रख दिए हमने शादी के लिए, अब आप हज करें. और मैं आपसे वादा करती हूँ वो आने के बाद आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूँगी. आपको यही वो है ना प्रॉब्लम कि भाई खुदा ना खास्ता कोई 2 बच्चों का बाप आ जाएगा, कुछ मैं तो कहती हूँ 6 बच्चों का बाप आए, लेकिन अगर वो आपकी बेटी से प्यार करता है, अच्छा है, वो उसको रिस्पेक्ट देता है, वो उसकी फीलिंग्स को समझता है, तो मेरा ख्याल है वो उसके लिए बेहतर होगा. बेहतर, लेकिन उस कुंवारे का हम क्या करें जो अपने से बढ़कर, हाँ, जो अपने से बढ़कर किसी को जाने ही ना. तो जब मेरी मम्मा वापस आई तो 2012 में मेरा निकाह हो गया. और अचानक से ही जब अदनान का रिश्ता आया, हम अदनान की फैमिली को ही नहीं जानते थे, रिश्ता आया, नई नई नकवी फैमिली, आपको पता है ये बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ, तो नकवी फैमिली अब तो ये कर दिया और तुमने हमसे वादा किया था. तो मैंने अपने मियाँ को देखा था, मैंने मियाँ को देखा ही तब है जब मेरे आसिम मुसब. तो अब आप ये डिसीजन रिग्रेट कर रही हैं कि अगेन मैं आपको वही कहूँ कि जो रिग्रेट क्या करना, कि अगर आपने, मैंने आपके लिए ये डिसीजन लिया है ना, तो फिर मैं उसको तब तक फुलफिल करूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस है. क्यों सादिया, ये एक जिंदगी है. हाँ, वो एक जिंदगी को मैं दूसरे तरीकों से, मैं ये कहती हूँ कि फिर सिर्फ शादियां ही नहीं करना ना मुझे, ठीक है ये है, बहुत सारे फैसले आपसे गलत हो जाते हैं, लेकिन मुझे बताएं नहीं कि उसको आप इस तरह बदलते रहें चीजों को बार बार. I don't know. देखो, I have been single for a very, 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 very long time. हाँ. And मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हैं, trust me. बिल्कुल. लेकिन मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ. हाँ. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर करूंगी, हाँ, तो मैं जितनी खुश हूँ ना उतनी ही, उतनी हूं, उतनी 20, तो हूं. चलो मैं 20 ना हूं, अभी 20 हूं, फर्स्ट करो 20 out of 20 जो कि मैं हूं. हाँ. 20 out of 20 बिल्कुल, माशाल्लाह. लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो, अल्लाह नज़र बद से बचाए. बट अगर मैं चलूं 19-18 भी हो जाऊं तो मैं कर लूं, बट अदरवाइज व्हाई वुड आई. द सेम थिंग वाज, जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो एंड स्पेशली आजकल हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे अक्सर डॉक्टर मुझ पर की मेल आती है, मुझे की मेल आती है, मेरी शादी नहीं हुई, मैं 26 साल की हो गई, मैं 28 साल की हो गई, मेरी शादी 26 साल में वो परेशान. हाँ, हो रही है. मतलब 26 साल में एक लड़की ने 22 साल की उम्र में मैसेज किया, हमको ईमेल किया है, आई डेफिनेटली कांट टेक द नेम, बट शी ईमेल्ड एंड शी सेड मेरी शादी नहीं हुई. एंड आई वॉज सो शॉक टू सी दैट कि आपने जो भी पढ़ाई की अपनी, आपका जो भी करियर है, आपका जो भी अपनी पर्सनैलिटी है, आप वो आपको, आपने पूरी एक जगह बांध दी शादी के अंदर. अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करते हैं. हुँ. तो डेफिनेटली आपका जिन लोगों से भी आप मिलते हैं, जिनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है. सॉरी सॉरी, कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड? ये जो 22 साल की लड़की जो आपको ईमेल कर रही है, सारी लड़कियों ने शादी कर ली ना, पेरेंट्स हैं,
जो जो माइंडसेट उस लड़की का है कि 22 साल में मेरी शादी नहीं हुई है, आपका क्या ख्याल है उसका जो रिलेशनशिप विद हर मदर और हर फादर, डू यू थिंक दैट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप? दैट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप एट ऑल, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. रीजन बीइंग इसलिए हेल्दी नहीं है कि आप एक अपने बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रूम ग्रूम ही नहीं होने दे रहे. अब फॉर एग्जांपल यू एस कोमल रिजवी, राइट? You are an amazing artist. You are. You have confidence. You are doing things right, and you are representing our country. Yeah, you are a businesswoman, yeah. And now, mashallah. Mashallah, businesswoman. You are representing Pakistan. So is Sadia Imam. She is doing all that. Why? Because आपको वो support थी. लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में और भी talent है या दुनिया में और भी talent है? वो क्यों नहीं आता? वो इसीलिए नहीं आता कि आप उसके निकलने से पहले उसकी जड़ काट देते हो. कहते हो बस तुम शादी कर लो कि ये तुम्हारी destiny है. Which is not a destiny, it's journey. लेकिन हमने अपनी शादी को destiny बना दिया है कि बस ये मेरा आखिरी है, इसके आगे कुछ नहीं है. So that is something, ये mindset change करना होगा. और जहाँ से toxic relationship की बात है, वो लोग जो internet पे बैठे हुए हैं, I really feel that they are spreading the most negativity in the world. कि आप किसी को देख लिए, एक लड़की है, for example मैं हूँ, I was 50 के वेट की बात हो रही थी. सो आई वॉज 53 kg एट माई हाइट. नाउ मेरे ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी पैदा होगी पेट के अंदर, यू नो. My lower intestine is swollen. So I started putting on weight. अब जब मेरा वेट बढ़ गया, so they like, oh, doctor मुझे इस बार वेट कम नहीं करा सकते? हाँ, अच्छा, तुम वेट कम नहीं कर सकती? हाँ, वेट भी कम करते हैं, तो आप क्यों नहीं पहले ठीक हो रही? Okay, fine, and I would always answer to them, right? But then on the other hand, they like, oh, you don't look as nice as you used to. लेकिन क्या मेरे टैलेंट की इसके पीछे कोई वो नहीं है worth? So people always negate you when you are showing some talent, but they will always say ki nahi iske andar kuch nahi, bas weight badh gaya, ab ye kuch nahi kar sakti zindagi ke andar.